रविवार को कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक स्थित एक हुक्का बार पर एंटी रोमियो टीम ने छापा मारा तथा हुक्का बार में बैठे युवक युवतियों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने हुक्का बार संचालक को अपने कर्मचारियों के वेरिफिकेशन कराने को कहा और हुक्का बार के लाइसेंस की जाँच थाने पर आकर कराने की चेतावनी दी। चेकिंग के दौरान एंटी रोमियो टीम के प्रभारी सुनील कुमार पटेल सहित महिला कांस्टेबल व टीम के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट व एएसपी पर रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि छेड़खानी की घटना को देखते हुए एंटी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग कराई गई है और हुक्का बार संचालक को चेतावनी दी गई है कि टुबैको का प्रयोग न करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, कोई लिस्ट बनाया आप लोग? आप लोग कहाँ हो? रेस्टोरेंट आप कौन? पेपर रोल पेंटर ये चेकिंग संभवतः ये चेकिंग जो है ये एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा की गई थी। इसका बेसिक जो मकसद था कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की छेड़खानी करते, तो इस प्रकार की कोई घटना ना हो इसीलिए चेकिंग की गई थी। क्या हिदायत दी गई है उनको? नहीं, हिदायत ऐसे कुछ घटना मिली नहीं है, बस चेकिंग किया गया। हुक्का बार संचालकों को कुछ इस तरह का हिदायत दी गई है? हुक्का बार संचालकों को पिछले टाइम में भी काफ़ी छापे हमने मारे थे उस पर, उन पर, तो इस बार उनको वही हिदायत दी गई कि कोई टोबैको जिसमें पदार्थ अगर कोई ऐसे हो तो उसको उपयोग में ना लाए।